नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। यूपी में सौगातों की झड़ी। जी हां, यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी यूपी का रण जीतने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और इसीलिए बीजेपी की ओर से एक के बाद एक बड़ी सौगातें यूपी को मिल रही हैं। फिर चाहे वो ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, बीजेपी हर हाल में कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के को बड़ी सौगात देने वाले हैं, जहां वो गोरखपुर जाकर एम्स का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वो एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में आज यूपी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एम्स में क्या खास होने वाला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, वो भी चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। तो एम्स में क्या खास है, 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स बनाए जाएंगे इस एम्स में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें 35 इमरजेंसी वार्ड भी इस एम्स में उपस्थित होंगे, साथ ही ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, वहीं पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, सीटी स्कैन की सुविधा भी वहां पर लोगों को मिलेगी। यानी कि जो सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल रही थी, वो सभी सुविधाएं मिलेंगी। MRI और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा उस एम्स में लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हीमोफीलिया मरीजों की जांच और इलाज भी वहां पर कराया जाएगा। तो ऐसे में इस एम्स की खासियत क्या है, ये आपको बता रहे हैं। वहीं 2 ऑक्सीजन प्लांट भी होंगे, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और एयर प्रेशर आधारित दोनों ही ऑक्सीजन प्लांट होंगे। अनुभवी डॉक्टर्स की टीम वहां पर काम करेगी, यानी कि अब गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके के लोगों को अच्छे डॉक्टर्स की टीम जो है वो देखेगी। वहीं OPD की खास सुविधा भी अस्पताल में मौजूद रहेगी। तो ये वो खास चीजें हैं जो वहां पर एम्स में लोगों को मिलने वाली हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे, जहां पर वो ये बड़ी सौगात देने के लिए गोरखपुर पहुंच रहे हैं जनता को, और एम्स का उद्घाटन भी करेंगे। और एम्स में क्या क्या खासियत है, ये आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव से पहले यूपी को कई और सौगातें मिल चुकी हैं, तो वो भी चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की जनता को और क्या क्या सौगातें मिल चुकी हैं। तो ऐसे में 15 जुलाई 2021 को वाराणसी में रुद्राक्ष केंद्र समेत 1583 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात जनता को मिल चुकी है। इसके अलावा 14 सितंबर 2021 को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी किया गया है, ये बड़ी सौगात भी उत्तर प्रदेश की जनता को दी गई थी। वहीं 5 अक्टूबर 2021 को ही लखनऊ में 4737 करोड़ रुपए की 75 परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। वहीं 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज की सौगात भी यूपी की जनता को मिल चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि 25 अक्टूबर 2021 को ही सिद्धार्थनगर में 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सौगात भी जनता को यहाँ पर दी जा चुकी है। ऐसे में 25 अक्टूबर 2021 को ही वाराणसी में 5000 से ज्यादा करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी जनता को दी गई है। वहीं 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। बड़ी सौगात जनता को बीजेपी देती नजर आ रही है चुनाव से पहले। ऐसे में 19 नवंबर 2021 को झांसी में 3425 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था, ये सौगात भी मिली है। वहीं 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था, जिसके बाद आज 7 दिसंबर 2021 को गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर जनता को वो बड़ी सौगात देंगे। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में बेहद नजदीक है, और इससे पहले बीजेपी लगातार विकास कार्य जो है वो करती नजर आ रही है और जनता को सौगात दे रही है।
तो ऐसे में कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाह रही है और इसीलिए मेडिकल सुविधाएं बेहतर होंगी, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और गोरखपुर में ये बड़ा एम्स जो है वो बनकर तैयार होगा, ऐसे में ये लोगों को सुविधा तो मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि गोरखपुर और उसके आसपास जैसे कि बिहार, झारखंड और नेपाल तक के लोगों को इस एम्स से बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। साथ ही ऐसे में बीजेपी एक के बाद एक बड़े बड़े तोहफे यूपी की जनता को दे रही है, लगातार लुभाने की साफ तौर पर जनता को कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, इसीलिए लोगों के आगे, यूपी की जनता के आगे जो है वो काम भी रखे जा रहे हैं कि किस तरह से विकास उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, क्योंकि लगातार योगी सरकार, बीजेपी सरकार यही कहती आई है कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे। तो इसी तर्ज पर लगातार एक के बाद एक ही बड़ी सौगातें दी जा रही हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुनव्वर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनव्वर, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंच रहे हैं और ये बड़ी सौगात देने के लिए जा रहे हैं, गोरखपुर में अभी किस तरह की हलचल देखने के लिए मिल रही है? हाँ, मैं बता दूं कि आज 12:25 पे गोरखपुर एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई जहाज लैंड करेगा, उसके बाद से वहां से वो हेलीकॉप्टर से फर्टिलाइजर से जो कार्यक्रम स्थल है वहां पहुंचेंगे 12:50 के लगभग। यहाँ हलचल बहुत ज्यादा है, हजारों लोग जो है जमा हो चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में बसें और हजारों की तादाद में छोटे वाहन जो है देखे जा रहे हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा की चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा कर्मी तैनात है। बहुत उत्साह है क्योंकि एक साथ आज 3 परियोजनाओं का लोकार्पण यहाँ प्रधानमंत्री जी करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि भाजपा के लिए कहीं ना कहीं गोरखपुर का ये फर्टिलाइजर ग्राउंड बहुत लकी रहा है। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने यहीं से किसान सम्मान निधि की घोषणा करके लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका था और आज कहीं ना कहीं उसकी सोच को रखते हुए, क्योंकि लोकसभा में एक बड़ी कामयाबी भाजपा के हाथ आई थी और दोबारा सरकार में वापस लौट के आई थी, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी फर्टिलाइजर की ये सभा भाजपा के लिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल मनोवर, और जिस तरह से देखिए गोरखपुर को, जिस तरह से आपने बताया 3 बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें गोरखपुर में जो एम्स की सौगात मिलने जा रही है वही है, क्योंकि ऐसे में अगर बात की जाए बीआरडी मेडिकल कॉलेज की, वहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने बच्चों की जान गई थी ये हर किसी ने देखा था। तो आज जो 2 ऑक्सीजन प्लांट भी उसमें लगाए गए हैं तो वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की इस तरह की कोई घटना ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेडिकल सुविधाओं को, जहां तक मेडिकल सुविधाओं की बात है, आज गोरखपुर में लगभग 17 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं। इसके अलावा एम्स बन जाने की वजह से बिहार और नेपाल के सुदूरवर्ती क्षेत्र और पूर्वांचल की एक जो है बड़ी आबादी लाभान्वित हो रही है। इसके अलावा ICMR के तहत जो यहाँ एक लैब बनाया जा रहा है जिससे इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया और कोरोना की जांच अब यही संभव हो जाएगी। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही पहले होता ये था कि इन सारी जांचों के लिए पुणे सैंपल भेजा जाता था, फिर वहां से रिपोर्ट आती थी। तो अब कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात ये प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं गोरखपुर को स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में। और अब जो एम्स दिल्ली में था वो एम्स पूर्वांचल की धरती पर काम करने लगेगा, ये एक बहुत बड़ी सौगात है यहाँ की। जी बिल्कुल मनोवर, और इसीलिए देखिए सबसे ज्यादा ध्यान अगर बीजेपी का इस बार चुनाव में देखा जाए तो पूर्वांचल की तरफ ज्यादा है। अगर पश्चिमी यूपी की तरफ बात की जाए तो पश्चिमी यूपी को एक बड़ी सौगात अभी मिली थी जो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन पूर्वांचल की बात की जाए तो आज ये बड़ी सौगात तो आज तो मिलने जा रही है। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया गया है, तो ऐसे में बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा पूर्वांचल पर ही पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। जी मैडम, जैसा कि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है जी, और यूपी का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है, तो पूर्वांचल हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसा कि मैंने बताया कि 2019 लोकसभा चुनाव की शुरुआत किसान सम्मान निधि की घोषणा के साथ प्रधानमंत्री ने इसी ग्राउंड से, फर्टिलाइजर ग्राउंड से किया था,
और एक बड़ी सफलता मिली थी, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल एक अहम कड़ी है सत्ता तक पहुंचने की। जी चलिए ठीक है मनोवर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में गोरखपुर कुछ अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो बड़ी सौगात देने वाले हैं। और ऐसे में गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, उनके साथ आपको बता दें योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं।